हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जून फोर्थ वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है वाणिज्य भवन का और लॉन्च किया है निर्यात पोर्टल। निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया है और वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है। अभी इस न्यूज़ के अंदर अगर हम डिटेल के अंदर चर्चा करें तो कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वर्क ऑफ प्लेस। कि अभी रिसेंटली कि पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है द प्रीमाइस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उसका नाम क्या है, वाणिज्य भवन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्लेस ऑफ वर्क जिसका नाम है वाणिज्य भवन, उसका उद्घाटन अभी पीएम मोदी ने किया है। और उसके अलावा एक पोर्टल का भी उन्होंने उद्घाटन किया है, निर्यात पोर्टल। उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। निर्यात पोर्टल का फुल फॉर्म नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयरली एनालिसिस ऑफ द ट्रेड। निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया है और वाणिज्य भवन जो किसकी ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, राइट। ओके, अभी ये दोनों चीज़ों का उद्घाटन पीएम मोदी ने 23 जून को किया। क्यों? क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी है जो इंडिया के फर्स्ट इंडस्ट्री मिनिस्टर थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्याम प्रकाश मुखर्जी जो इंडिया के पहले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, उनकी डेथ एनिवर्सरी 23 जून को ये निर्यात पोर्टल और वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, राइट। अभी मैं वाणिज्य भवन की बात करूँ तो वाणिज्य भवन मैंने जैसे आपको बताया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट्स है, दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में दो डिपार्टमेंट काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये दोनों की प्लेस ऑफ वर्क कौन बनेगा, वाणिज्य भवन, राइट। ओके, दूसरी बात निर्यात। निर्यात पोर्टल का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयरली एनालिसिस ऑफ द ट्रेड, कि इंडिया के अंदर एक साल के अंदर कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, राइट। कौन से देश से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट, कौन से देश में हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, कौन से देश में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करवाते हैं, कौन से देश से कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, राइट, और कौन कौन करता है, ये सभी का एक ही जगह पे रिकॉर्ड मिल जाएगा ये निर्यात पोर्टल के ऊपर, राइट। और उसके अलावा कौन कौन से चीज़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, जो 30 जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो कॉमोडिटीज़ है कि जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करवाते हैं, वो 30 कॉमोडिटी ग्रुप्स के जो चीज़ें हैं कि जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो सभी के बारे में आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। निर्यात पोर्टल के ऊपर 30 कॉमोडिटी ग्रुप्स के अंदर जितनी भी कॉमोडिटीज़ आती है, वो सभी के रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन उनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, वो इस ग्रुप के अंदर, इस पोर्टल के अंदर मिल जाएगी, राइट। ओके, और ये टोटल हम 200 कंट्रीज़ के अंदर 30 कॉमोडिटी ग्रुप्स के जो कॉमोडिटीज़ है उसको हम टोटल या तो 200 कंट्रीज़ के अंदर से इंपोर्ट होता है और या तो फिर एक्सपोर्ट होता है, वो सभी के बारे में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी, राइट। और निर्यात पोर्टल वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, द 3 T's ऑफ द ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी। ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 T के ऊपर, ये 3 T के प्रिंसिपल के ऊपर निर्यात पोर्टल काम कर रहा है और ये दोनों का उद्घाटन अभी पीएम मोदी ने किया है, राइट। ओके, अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो 2021 के अंदर कितना हुआ था, $670 बिलियन, जो अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 50 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया था इंडिया ने, राइट। और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है, पीयूष गोयल, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो अनुप्रिया पटेल जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, सोम प्रकाश जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है होशियारपुर पंजाब, राइट। तो ये ये न्यूज़ के बारे में अगर मैं एकदम संक्षिप्त में बात करूँ तो कि एक
पोर्टल, निर्यात पोर्टल, कि जहाँ पे 30 कॉमोडिटीज ग्रुप के जितने भी कॉमोडिटीज़ हो गए जो हम 200 कंट्री के अंदर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करवाते हैं, उनके बारे में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एक ही पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। और उसके अलावा वाणिज्य भवन, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, दोनों की ऑफिस ये वाणिज्य भवन के अंदर एस्टैब्लिश होगी, राइट। और इंडिया के एक्सपोर्ट 2021 के अंदर कितना होता, 670 बिलियन डॉलर, और अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 50 लाख करोड़। तो आपको इतनी चीज़ें आपको इस न्यूज़ के अंदर से याद रखनी है, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान उसने कम्प्लीट किया है 2 साल। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कम्प्लीट्स द 2 ईयर। तो ये जो स्कीम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, अ स्कीम फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स हु वेर अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 हैज कम्प्लीटेड द 2 ईयर्स। ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान वो किन के लिए थी, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। द स्कीम वॉज लॉन्च बाई द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया। ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा क्यों प्रोवाइड की गई थी, कि उन लोगों को जो कोविड-19 से बहुत सारी अफेक्टेड थे, कौन, माइग्रेंट वर्कर्स, उनको इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट मिले और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिले, इसके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 2020 के अंदर। कब लॉन्च किया गया था, 20 जून 2020 को ये लॉन्च किया गया था, और उसके अभी सेकंड एनिवर्सरी है, राइट। और इस स्कीम के अंदर ये स्कीम एक्चुअली लॉन्च की गई थी 125 डेज के लिए विथ अ रिसोर्स इन्वेल्व ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज़। टोटल कितने रुपीज़ के रिसोर्स को यहाँ पे अलोकेट किया गया था, 50,000 करोड़ के रुपीज़ को यहाँ पे अलोकेट किया गया था, उनके 50,000 करोड़ रुपीज़ के इक्विवेलेंट रिसोर्स को यहाँ पे अलोकेट किया गया था। 125 दिन के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करवा रही थी पूरी इंडिया के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये पूरी इंडिया के अंदर ये स्कीम इंप्लीमेंट करवा रही थी, राइट, ओके। अभी ये स्कीम के अंडर में क्या था, अगर मैं इस स्कीम के हाइलाइट्स की बात करूं तो कि यहाँ पे टू प्रोवाइड द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द डिस्ट्रेस्ड, टू सैचुरेट द विलेजेस विद द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू क्रिएट द पब्लिक एसेट्स टू बूस्ट द इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़। कि यहाँ पे देखो कि टोटल 116 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के जो माइग्रेंट वर्कर है, जो मेनली 25 सेक्टर के अंदर में काम करते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स नॉर्मली कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ज़्यादा काम करते हैं, राइट। तो और ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं नॉर्मली बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो 6 स्टेट है वो वहाँ से आते हैं, राइट, बराबर ना। तो इन लोगों के जो ओरिजिन स्टेट है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वहाँ से उनका डेटा कलेक्ट किया गया। फिर वो जो भी माइग्रेंट वर्कर इन स्टेट से बिलोंग करते थे और जो 25 वर्क्स, जो 25 सेक्टर के जो गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए कि जहाँ पे मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं, तो उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उन लोगों को मैक्सिमम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन लोगों के लिए मैक्सिमम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया कि जहाँ पे उनको मैक्सिमम जॉब मिल सके, कोई छोटा मोटा काम मिल सके और उनके रहने खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। ये सभी को, ये जो पूरा खर्चा, ये टोटल मिला के कितना हो रहा था, 125 दिन की स्कीम का खर्चा कितना हो रहा था, 50,000 करोड़ रुपीज़, राइट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और उसके अलावा कि बहुत सारे जो टेक्नीशियन लेवल के जो लोग होते हैं, कि बहुत सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज के अंदर काम करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से उन लोग जो कंपनीज का मतलब जो लॉस हो रहा था, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया था, राइट। तो उन लोगों को वापस से हायर करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंपनीज़ को इंकरेज करने के लिए एक और स्कीम इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर लॉन्च की गई थी। और गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई अगर आप उन लोगों को वापस हायर कर लोगे तो उन लोगों की सैलरी में से जो पीएफ कटता है, उन लोगों की सैलरी में से जो पीएफ कटता है उसमें जो 50% इम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, और 50% कौन प्रोवाइड करता है पीएफ का, जो पैसा है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। पीएफ में जो भी पैसा आपका कटता है उसमें से 50% इम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है और 50% गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये जो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप उन लोगों को वापस हायर कर लोगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो ये जो पीएफ का जो आपका, आपके ऊपर जो 50% का बोझ है ना, वो गवर्नमेंट ही उठाएगी। मतलब पीएफ का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो कौन लेगा, गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट ने कंपनीज को इंकरेज किया कि आप उन लोगों को वापस हायर कीजिए, या तो फिर उन लोगों को जो मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स है जो बाहर से, बाहर के स्टेट से आए हैं काम करने के लिए, उनके पास अभी काम नहीं बचा है, तो उन लोगों को आप हायर कीजिए। अगर जितना भी उनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो सभी का खर्चा कौन उठाएगा, गवर्नमेंट उठाएगा, राइट।
तो ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अभी 2 साल कंप्लीट हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी, 125 दिन की वो स्कीम थी, 50,000 करोड़ रुपये उसके लिए अलोकेट किए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये पूरी स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। ओके, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करूँ तो हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है, उसके गिरिराज सिंह हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, साध्वी निरंजन ज्योति और फागन सिंह कुलस्ते, ये दो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और यूनियन मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह। तो आई थिंक आपको ये पूरी स्कीम के अंडर में समझ में आया होगा, पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि वियना जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है मेक्स अ कमबैक एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी का भी इंडेक्स लॉन्च किया गया, उसका रैंकिंग लॉन्च किया गया है, और उसमें टॉप किसने किया है, वियना जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ओके, अगर हम इस न्यूज़ के अंदर डिटेल में चर्चा करें तो कि अभी रिसेंटली ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 लॉन्च किया गया, कौन सी संस्था के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया 2022, राइट, जहाँ पे 173 सिटीज़ को एग्जामिन किया गया है वर्ल्ड वाइड, राइट, 173 सिटीज़ को एग्जामिन किया गया वर्ल्ड वाइड, और कौन कौन से फैक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, तो 30 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, और 5 कैटेगरी के अंदर 30 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स को 5 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे इवोल्यूट किया गया है। और ये 5 कैटेगरी कौन कौन सी है कि कोई पर्टिकुलर सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की स्टेबिलिटी कैसी है, वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे एजुकेशन कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, एंड कल्चर और एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। तो ये 5 जो मेन कैटेगरी है उसमें टोटल 30 कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे इवोल्यूशन किया गया है, और 173 सिटीज़ को एग्जामिन किया गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए, कौन सी संस्था के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, राइट। और ये इंडेक्स को टॉप किसने किया है, तो वियना ने, राइट, जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी, ये लिस्ट को टॉप किसने किया है, वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, राइट। और विच मेड अ सक्सेसफुल कमबैक बीइंग क्राउन द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड वंस अगेन। वियना हैज रिकैप्चर द टॉप स्पॉट फ्रॉम द ऑकलैंड न्यूजीलैंड। जो लास्ट ईयर जो रैंकिंग लॉन्च किया गया था उसमें कौन टॉप में था, ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है, विच फेल टू 34th प्लेस इन 2022, राइट। ये न्यूजीलैंड की जो ये ऑकलैंड सिटी है, राइट, वो 2022 के अंदर वो 34th प्लेस पे आई है, जो लास्ट जो रैंकिंग लॉन्च किया गया था उसके अंदर वो टॉप पे थी ऑकलैंड, राइट। ओके, अगर मैं इस रैंकिंग की फैक्ट के बारे में बात करूँ कि 6 of the top 10 cities वेर लोकेटेड इन द यूरोप, जो टॉप 10 लिवेबल सिटी है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग, उसमें जो 6 तो यूरोप से बिलोंग करती है। नोटेबली ड्यू टू द पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस वियना वॉज रैंक 12th in 2021। जो लास्ट एडिशन था वो वियना, उसके अंदर कितना रैंक था उसका 12th, लेकिन इस बार वो फर्स्ट है, राइट। इट हैज द फर्स्ट पोजिशन इन 2018 एंड 2019। वियना, ये जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो इस बार फर्स्ट आई है, वो 2018-2019 के अंदर भी टॉप थी, लेकिन 2021 के अंदर ऑकलैंड न्यूजीलैंड के द्वारा ये टॉप किया गया था इस रैंकिंग को, जो इस बार 34th प्लेस के ऊपर है। अभी जब से ये रैंक लॉन्च किया जाता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 2011 से लॉन्च किया जाता है, तब से जो ऑस्ट्रेलिया की जो मेलबोर्न सिटी है हेल्ड द टाइटल ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। 7 साल तक ये जो ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न सिटी है वो मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड बनी 7 साल तक, 2011 से कंटिन्यूअसली। लेकिन फिर 2018 के अंदर वियना ने रिप्लेस किया मेलबोर्न को 2018 के अंदर, फिर 2018 और 2019 के अंदर वियना बना, 2021 के अंदर ऑकलैंड बना, और अभी फिर से 2022 के अंदर वियना बना है वो वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी। ओके, और अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो कि इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, उसका 173 में से 112th 112वां नंबर आया है। और अगर जो इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की बात करूँ तो उसका रैंक आया है 117, राइट। तो इंडिया का रैंक कौन सा है, इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली 112 टोटल आउट ऑफ 173, मुंबई का 117। टॉप किसने किया, 2011 से ये रैंक लॉन्च किया जाता है, सबसे ज़्यादा बार इसको मेलबोर्न ने टॉप किया है, फिर 18-19 में वियना आया था, 2021 के अंदर ऑकलैंड था, राइट। ओके, तो ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च की जाती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ओके,
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली 7th एनिवर्सरी ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का सेलिब्रेशन किया गया, राइट? किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, राइट? तो इस न्यूज़ के अगर हम डिटेल के चर्चा करें तो कि अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया एक वर्चुअल इवेंट टू सेलिब्रेट 7 ईयर्स ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंटेड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। द इवेंट वॉज प्रिसाइडेड बाय द श्री मनोज जोशी, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, राइट? कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कि अभी ये जो 7th एनिवर्सरी थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो वो 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी ये स्कीम, राइट? तो अभी इसी दिन के अंदर ये दिन को सेलिब्रेट जो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, तो कुछ अवार्ड्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है और कुछ ई बुक्स भी लॉन्च की गई है। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो एक ई बुक लॉन्च की गई है, ई बुक का नाम है 7 ईयर्स ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 से 2022, कि कौन कौन से इनिशिएटिव इसके अंदर में लिए गए हैं, कितने बेनिफिशरीज हैं, राइट, और क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड की जाती है स्कीम के अंदर में, ये सभी के बारे में इस बुक के अंदर लिखा है, राइट? ओके, और ये बुक आप एक्सेस भी कर सकते हो ऑनलाइन ये वेबसाइट के ऊपर से, राइट? उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, राइट? उसके अलावा यहाँ इस दिन के ये जो सेलिब्रेशन के दौरान एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, खुशियों का आशियाना, खुशियों का आशियाना एक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किया गया था, राइट, 2021 के अंदर, कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के जो बेनिफिशरीज हैं, राइट, वो यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं कि ये जो स्कीम है वो उनकी लाइफ में कितनी लाइफ चेंजिंग हुई, राइट, वो ये शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बता सकते हैं। बेनिफिशरी नहीं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो 18 साल से जो भी एडल्ट पर्सन है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्बन के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बना के इस स्कीम के बारे में उनके उनके लाइफ के अंदर क्या चेंज आया उस इस स्कीम के माध्यम से वो उसके ऊपर एक फिल्म बना सकते हैं ये शॉर्ट कॉन्टेस्ट के माध्यम से, और शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट के माध्यम से, राइट? अरे कॉन्टेस्ट का नाम क्या था? खुशियों का आशियाना। तो 2021 के अंदर एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया था, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया, राइट, और उसमें से अभी उन कुछ लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ पे उनको अवार्ड दिया गया है। टोटल 34 पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है अंडर द 3 कैटेगरीज फॉर द रिकॉग्निशन, राइट? तो यहाँ पे जो विनर्स हैं जो कॉन्टेस्ट के, उनको एक कैश प्राइज दिया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो फर्स्ट प्राइज विनर को कैश प्राइज कितना दिया जाएगा? 25,000। सेकेंड प्राइज को 20,000 और थर्ड प्राइज विनर को आएगा 12,500, राइट? तो ये 3 कैटेगरी के अंदर 34 पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे जो खुशियों का आशियाना जो कॉन्टेस्ट हुआ था उनका अनाउंसमेंट किया गया, राइट? तो ये जो फर्स्ट प्राइज विनर हो गए 25,000, सेकेंड प्राइज विनर हो गए 20,000 और जो थर्ड प्राइज विनर हो गए 12,500, और ये उनको इतना कैश प्राइज और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे जो मैंने कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ वो कॉन्टेस्ट कब सेलिब्रेट किया गया था, कब उसका अनाउंसमेंट किया गया था, 1 जुलाई 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 के बीच में कॉन्टेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। और कौन कौन से लोग कि जो भी 18 साल से बड़े हैं वो सभी इंडिविजुअल या फिर सभी कोई भी ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता था, राइट? और ये कॉन्टेस्ट की थीम क्या थी कि ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन लाइव्स इन द अर्बन लैंडस्केप, ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन लाइव्स इन द अर्बन लैंडस्केप जो ये कॉन्टेस्ट की थीम थी, राइट? ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये 2015 25 जून को लॉन्च किया गया था, राइट, और उसके 7 साल अभी कंप्लीट हुए हैं। ये मिशन एड्रेस करता है अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको रहने के लिए घर नहीं था, जो लो इनकम ग्रुप है, जो मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी है, राइट, उनको रहने के लिए घर नहीं था, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो घर खरीद सके। तो यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम के अंडर में उनको अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर घर मिल जाता है, राइट? और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक विज़न है कि हाउसिंग फॉर द ऑल, ये विज़न के अंडर में ये स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, राइट? और इस स्कीम के अंडर में अफोर्डेबल घर कैसे मिलता है कि एक तो प्राइस तो कम ही होता है, लेकिन जो
होम लोन के लिए आप लोन के लिए अप्लाई करते हो ना इस स्कीम के अंडर में, तो जो इंटरेस्ट रेट होता है ना उसके ऊपर भी आपको सबवेंशन मिल जाता है। मतलब सबवेंशन मतलब फॉर एग्जांपल होम लोन का इंटरेस्ट रेट 7% है, उसमें आपको 2% सबवेंशन मिल गया, मतलब आपको इंटरेस्ट रेट कितना चुकाना पड़ेगा 5%, ऐसा होता है राइट। तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर घर खरीदने के लिए ओके, और आप यहाँ पे जो बहुत बिलो द पुअर लाइन फैमिली है उनके लिए तो इस योजना के अंदर एक पूरी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो उस स्कीम के अंदर अगर आपको घर खरीदना है तो आप अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर वो वहाँ पर घर खरीद सकते हो राइट ओके। जो मिडिल इनकम ग्रुप है कि जो जिनका सफिशेंट इनकम है टू बाय द हाउस राइट, अगर उनको अगर उनकी इनकम पर्टिकुलर अमाउंट से कम है पर ईयर, तो यहाँ पे वो मैंने जैसे बोला कि वो इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उनको मैक्सिमम 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन इस योजना के अंडर में मिलता है ओके। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जिसके 7 साल कंप्लीट हुए इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है और इस रिपोर्ट का नाम है इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अभी इस न्यूज़ के अंदर अगर हम डिटेल में चर्चा करें तो कि अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है कि इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी परस्पेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ द वर्क। ये एक रिपोर्ट का टाइटल है जो लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा राइट। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, सीईओ अमिताभ कांत एंड स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर के राजेश्वर राव, ये 3 पर्सन के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट है गिग इकोनॉमी के ऊपर। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गिग इकोनॉमी या फिर गिग सेक्टर क्या है फ्रेंड्स। ठीक, इट इज़ अ लेबर मार्केट इन विच इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल इन ऑफिस फुल टाइम जॉब विथ अ सिंगल कंपनी, गिग वर्कर्स वर्क एज अ शॉर्ट टर्म टेम्पररी फ्रीलैंस और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द वन और वेराइटी ऑफ द एम्प्लॉयर्स। ये गिग इकोनॉमी क्या होता है कि इकोनॉमी की जो किसके द्वारा अर्न की जाती है, कि गिग इकोनॉमी क्या होता है फ्रेंड्स कि देखो, एक तो एक सेक्टर है कि जो ट्रेडिशनल जॉब जहाँ पे आप कोई भी एक संस्था के साथ ही जुड़ सकते हो, यहाँ पे आप सुबह जाओगे शाम तक एक ही जगह पे काम करोगे, एक ट्रेडिशनल जॉब, एक परमानेंट जॉब होती है, एक वो टाइप की जॉब होती है। एक दूसरी टाइप की जॉब कैसे होती है कि आप घर बैठे बैठे वो जॉब कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, आप एज अ फ्रीलैंसर, जैसे LIC के एजेंट होते हैं वो फ्रीलैंसर होते हैं राइट। तो आप उस तरीके से मतलब एक टेम्पररी जॉब राइट, कि आप एक से ज़्यादा इम्प्लॉयर के साथ भी काम कर सकते हो। तो ये जो ग्रुप ऑफ द पर्सन कि जहाँ पे लोग ऐसी जगह पे वो लोग काम करते हैं, तो वो जो इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी जो पार्टिसिपेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गिग इकोनॉमी राइट। तो अभी जो कोविड के बाद लोग बहुत सारे लोग ऑनलाइन घर बैठे बैठे काम करते हैं राइट, बहुत सारे मतलब एक ही पर्सन एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है राइट, बहुत सारे फ्रीलैंसर्स के अंदर भी बहुत इंक्रीमेंट हुआ है राइट। तो ये अभी कोविड के बाद जो गिग इकोनॉमी है इंडिया की वो बूस्ट कर रही है। इसके लिए उसके ऊपर अभी रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने। तो इसके लिए ये न्यूज़ रिसेंट के अंदर है आपके लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गिग इकोनॉमी के बारे में जानना जरूरी है कि गिग इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि एक टेम्पररी जॉब, एज अ फ्रीलैंसर अगर आप कोई जगह पे काम करते हो, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई जगह पे काम करते हो राइट, आप एक ही पर्सन एक से ज़्यादा जगह पे काम कर सकता है। तो ये सब जो इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन करते हैं ये जो पर्सन्स, वो गिग इकोनॉमी कहलाती है राइट। तो उसके दो पार्ट होते हैं गिग इकोनॉमी के, एक तो प्लेटफॉर्म और एक नॉन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब कि गिग इकोनॉमी के अंदर जो भी पर्सन कि जो ऑनलाइन कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बैठे के ऊपर जो काम करता है उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर किसको बोलते हैं, कि जो ऑफलाइन काम करते हैं, मतलब कोई फॉर एग्जांपल LIC के एजेंट है वो ऑफलाइन काम करते हैं, तो वो नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए। गिग इकोनॉमी के दो टाइप है, प्लेटफॉर्म वर्कर और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर राइट। तो यहाँ पे गिग इकोनॉमी के प्लेटफॉर्म वर्कर के बारे में रिपोर्ट कौन लॉन्च कर रहा है, नीति आयोग। इसके लिए ये न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ के अंदर है राइट। अभी ये रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस क्या दिया गया नीति आयोग के द्वारा, कि जो गिग इकोनॉमी में जो वर्कर काम करते हैं बराबर, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। एक तो सोशल सिक्योरिटी उनको भी मिलनी चाहिए राइट, कि वो लोग
वो लोग भी इकोनॉमी में अच्छा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मतलब उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी भी सैलरी में से कुछ पीएफ वगैरह कटना चाहिए, राइट। फिर उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, वो जहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा कि भाई वो प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कि आप एलआईसी के अंदर काम करते हो, एलआईसी के एजेंट हो, राइट, मतलब आप एलआईसी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन एलआईसी के एजेंट को भी, एलआईसी के परमानेंट एम्प्लॉय को जो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उन लोगों को भी मिले, ऐसे इसके लिए एलआईसी को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो ये कुछ सजेशंस दिए हैं नीति आयोग के द्वारा कि गिग इकोनॉमी को और कैसे बूस्ट किया जाए, क्योंकि वो बहुत अभी कोविड के बाद उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया है, राइट। इसके लिए उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के अभी सीईओ है अमिताभ कांत, जिनका टेन्योर 30 जून को एंड होने वाला है, राइट। फिर उनको रिप्लेस करेगा कौन, तो परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर जो नीति आयोग के नए सीईओ बनेंगे, राइट। नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट होता है 2015 के अंदर, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसका न्यू दिल्ली के अंदर, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है ऑन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट फॉर द 2018-19 एंड 2019-20, राइट। कि डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करती है, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिलीज किया है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया 2018-19 और 2019-20 का एक कंबाइंड रिपोर्ट है, कि जहाँ पे असेस किया गया है परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर स्कूल एजुकेशन सिस्टम कैसा है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे असेस किया गया है 2018-19 और 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के दौरान परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर। कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के द्वारा, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करती है, राइट। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट ने ग्रेड किया है 725 डिस्ट्रिक्ट को 2018-19 के अंदर और 733 डिस्ट्रिक्ट को 2019-20 के अंदर। 2018-19 के अंदर 725 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे इवोल्यूशन किया गया है और 2019-20 के अंदर 733 डिस्ट्रिक्ट का इवोल्यूशन किया गया है। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट हो रही है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका असेसमेंट किया गया है, राइट, ओके। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे कौन आया है, राजस्थान का सीकर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान का सीकर डिस्ट्रिक्ट इज़ द हाइएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट फॉर द 2019-20 इन द स्कूल एजुकेशन विच इज़ फॉलोड बाई द झुंझुनू एंड जयपुर। देखो ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे टॉप पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का सीकर डिस्ट्रिक्ट, सेकंड नंबर पे है राजस्थान का ही झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और थर्ड नंबर पे राजस्थान का जयपुर डिस्ट्रिक्ट, ये तीन सबसे टॉप पे आए हैं, राइट। ये तीनों तीन उत्कर्ष कैटेगरी के हैं। अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ये डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा, कौन कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को कैटेगराइज किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो दक्ष कैटेगरी में, जिसने सेकंड लेवल पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया उत्कर्ष कैटेगरी में, उसके बाद अति उत्तम कैटेगरी, फिर उत्तम कैटेगरी, फिर प्रचेष्टा वन, प्रचेष्टा टू, प्रचेष्टा थ्री, फिर आकांक्षी कैटेगरी, आकांक्षी वन, आकांक्षी टू, आकांक्षी थ्री। मतलब ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स वो जो डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है ये संस्था के द्वारा, उसमें सबसे टॉप कैटेगरी कौन सी है, दक्ष कैटेगरी, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है, आकांक्षी थ्री, राइट, ओके। तो यहाँ पे जो राजस्थान का जो ये सीकर डिस्ट्रिक्ट है बराबर, और ये जो झुंझुनू और जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये जो तीनों तीन डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने कौन सी कैटेगरी यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं, उत्कर्ष कैटेगरी के अंदर। मतलब जो टॉप कैटेगरी है दक्ष कैटेगरी, उसमें अभी कोई भी डिस्ट्रिक्ट आ नहीं पाया, सबसे टॉप में उत्कर्ष कैटेगरी में राजस्थान का सीकर डिस्ट्रिक्ट है, राइट। राजस्थान ऑल्सो टॉप द सेकेंड ग्रेड जो अति उत्तम कैटेगरी का है ना, अति उत्तम कैटेगरी, उसमें भी राजस्थान ने टॉप किया है। ये उत्कर्ष में तो उसने टॉप किया ही राजस्थान ने, लेकिन अति उत्तम कैटेगरी में भी राजस्थान ने टॉप किया है, तो उसमें राजस्थान के 24 डिस्ट्रिक्ट है अति उत्तम कैटेगरी के अंदर, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो ये रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च किया जाता है उसका बेसिस, वो कौन कौन से फैक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, तो टोटल 600 पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, टोटल 83 इंडिकेटर्स के अंदर, और यहाँ पे टोटल 6 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे ये 83 इंडिकेटर्स को क्लासीफाइड किया गया है। और कौन कौन से 6 कैटेगरीज,
के आउटकम्स, एजुकेशन सिस्टम का आउटकम क्या है, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट एंटरटेनमेंट्स, स्कूल सेफ्टी कैसी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कैसा है, डिजिटल लर्निंग कैसी चल रही है, और गवर्नेंस प्रोसेस। ये जो टोटल 6 कैटेगरी है उस उनको उसके अंदर टोटल 83 इंडिकेटर्स को क्लासिफाइड किया गया, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को रैंकिंग दी जाती है। सबसे टॉप कैटेगरी है दक्ष, सबसे जो हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड है दक्ष, जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अचीव नहीं कर पाई है, राइट। उसके बाद लोएस्ट है आकांक्षी 3, राइट, ओके। और अगर मैं बात करूँ 2018-19 के अंदर, तो यहाँ पे दो सर्वे लॉन्च किया गया ना, 2018-19 और 2019-20। 2019-20 के अंदर उत्कर्ष के अंदर आया संख्या 3 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 2018-19 के सर्वे के अंदर तो उत्कर्ष ग्रेड के अंदर भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अति उत्तम में राजस्थान ने फॉलो सबसे टॉप किया, वो जो जैसे हमने बात की, लेकिन अति उत्तम में सेकंड नंबर पे कौन है, पंजाब, 14 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के हैं, राइट। फिर गुजरात एंड केरला, ओके, जो जिनके 13 डिस्ट्रिक्ट है अति उत्तम कैटेगरी के अंदर, राइट। और उत्तम कैटेगरी के अंदर उत्तम कैटेगरी के अंदर कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो उत्तम कैटेगरी के अंदर यूपी ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश ने उत्तम कैटेगरी के अंदर टॉप किया है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दक्ष कैटेगरी में कोई भी नहीं है, उत्कर्ष कैटेगरी में राजस्थान ने टॉप किया है, अति उत्तम में भी राजस्थान ने टॉप किया है, फिर उत्तम कैटेगरी के अंदर यूपी ने टॉप किया है, ओके। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट, 2018-19, 2019-20 का, ओके। और अगर मैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात करूं तो उसके इंडियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी यादव और राजकुमार रंजन सिंह, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि आरबीआई ने अभी ग्रांट किया है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस टू द मुफिन फाइनेंस। अभी इस न्यूज़ के अगर हम डिटेल में चर्चा करें तो क्या आरबीआई ने अभी इश्यू किया है एक सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस टू द मुफिन फाइनेंस लिमिटेड। मुफिन फाइनेंस लिमिटेड को अभी आरबीआई ने एक सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस प्रोवाइड किया है। सबसे पहले तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी एप्लीकेशन, जो भी कंपनी आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है कि एक वॉलेट सर्विस, फॉर एग्जांपल एक वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करती है कि उस वॉलेट के अंदर आप पहले से पैसा जमा कर सकते हो, और फिर जब भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उस वॉलेट में से आप पैसा यूज़ कर सकते हो, राइट। तो एक प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप पैसा स्टोर कर सकते हो, और फिर जब भी कोई ज़रूरत होगी तब वो पैसा आप ले सकते हो। तो वो जो प्लेटफॉर्म जो संस्था प्रोवाइड करती है उस संस्था को क्या बोलते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं, ओपन, ओपन पीपीआईज, सेमी ओपन, क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड। ये 4 टाइप के पीपीआईज नॉर्मली इंडिया के अंदर रन होते हैं, ओपन पीपीआईज, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, सेमी ओपन, क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड। अभी ओपन पीपीआईज किसको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, मैं बेस्ट एग्जांपल है ओपन पीपीआई का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कि जहाँ पे आपका पैसा स्टोर है और उस पैसे को आप एटीएम के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हो। तो जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में से उसमें जो पैसा स्टोर है, अगर उस पैसे को आप एटीएम के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हो तो उस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को कौन सी कैटेगरी में आएगा, ओपन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ओपन कैटेगरी के अंदर। सेमी ओपन क्या होता है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वो सेमी ओपन का भी उदाहरण है, राइट। और बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर कार्ड होते हैं जो सेमी ओपन कार्ड होते हैं कि जो जिसमें जो पैसा स्टोर है उसका आप यूज़ पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के ऊपर, जब फॉर एग्जांपल जब पेट्रोल पंप के ऊपर जो कार्ड स्वाइप करते हो वो डिवाइस क्या है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। तो वहाँ पे जो कार्ड आप यूज़ करते हो ना वो कौन सा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, सेमी ओपन पीपीआई, कि जिसको आप एटीएम से आप पैसा विड्रॉ करवाने के लिए यूज़ कर सकते हो वो ओपन पीपीआई का एग्जांपल है। जहाँ पे आप पीओएस डिवाइस के ऊपर उसको स्वाइप कर सकते हो तो वो सेमी ओपन पीपीआई का उदाहरण है, राइट। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सेमी ओपन कैटेगरी में भी आते हैं और ओपन कैटेगरी में भी आते हैं। क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है
गिफ्ट कार्ड, फॉर एग्जांपल रिलायंस ट्रेंड है राइट, और आपने वहाँ से शॉपिंग की, उन्होंने आपको एक गिफ्ट कार्ड दिया है, मतलब एक कार्ड दिया है कि उसमें जो पैसा स्टोर है, और फिर वो बोलेंगे कि आप इसमें इतना पैसा लेके आप ये पैसा इस कार्ड के अंदर स्टोर कीजिए, फिर इस कार्ड के माध्यम से आप हमारे कोई भी रिटेल स्टोर के ऊपर आप परचेसिंग कर पाओगे। तो मतलब रिलायंस ट्रेंड का जो कार्ड है वो आप रिलायंस ट्रेंड के अंदर ही यूज़ कर सकते हो राइट। तो ऐसे PPI को क्लोज PPI बोलते हैं, कि जिसमें जो मनी स्टोर है उसका आप यूज़ वो पर्टिकुलर जगह पे ही कर सकते हो। और सेमी क्लोज PPI किसको बोलते हैं, कि जिसमें जो मनी स्टोर है उसका आप यूज़ ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर जगह पे ही कर सकते हो, आप कोई भी जगह पे यूज़ कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से। तो सेमी क्लोज PPI का बेस्ट एग्जांपल है PayTM, फ़ोनपे, गूगल पे, कि जहाँ पे जो मनी स्टोर है आप उसको कोई जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से लोन भी ले सकते हो राइट। तो ये सेमी क्लोज PPIs होते हैं। तो RBI ने अभी ये मुफिन फाइनेंस लिमिटेड है उसको कौन सा लाइसेंस दिया है, सेमी क्लोज का, मतलब ये मुफिन फाइनेंस मतलब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है राइट। मुफिन फाइनेंस जैसे बजाज फाइनेंस है उसी तरह मुफिन फाइनेंस है। तो ये NBFC है जो लोन प्रोवाइड करती थी अभी तक, तो अभी वो लोन ऑनलाइन प्रोवाइड कर सके उसके लिए उस एक प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड कर सके, इसके लिए RBI ने उसको लाइसेंस दिया है कि भाई आप अभी ऑनलाइन लोन प्रोवाइड कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको सेमी क्लोज PPI का लाइसेंस देता हूँ। तो मुफिन फाइनेंस अभी तक की 4th NBFC है जिसको अभी RBI का ये सेमी क्लोज PPI का लाइसेंस मिला है राइट। ओके, तो उससे पहले मुफिन फाइनेंस से पहले बजाज फाइनेंस, मणप्पुरम और पोल मर्चेंट, ये 3 NBFC ऐसी थी कि जिनको ये लाइसेंस मिल चुका है, और ये मुफिन फाइनेंस 4th NBFC बनी है टू गेट अ सच अ लाइसेंस। ओके, ये समझ में आया प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं राइट, ये सेमी क्लोज क्यों है, बाकी के 4 टाइप को भी आपको समझ में आना चाहिए राइट। ओके, यहाँ पे मैंने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं राइट, टाइप ऑफ द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ओपन PPI, सेमी ओपन, क्लोज, सेमी क्लोज, उसके एग्जांपल के बारे में लिखा है राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, बाकी आपको आई थिंक ये न्यूज़पेपर के बारे में समझ में आया होगा। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है अभी फ्रेंड्स कि पेरोल ऑटोमेशन फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ द मंथली अलाउंस, पेरोल ऑटोमेशन फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ द मंथली अलाउंस पद्मा। पद्मा रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनोग्रेशन किया है पद्मा, एन ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेस मॉड्यूल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। देखो, व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द पद्मा, तो पद्मा इज एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म लिवरेजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच विल बी प्रोवाइड द सीमलेस एंड टाइमली डिस्बर्सल ऑफ द पे एंड अलाउंसेस टू अराउंड द 15,000 इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सोनल। कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्लेटफॉर्म पद्मा का अनाउंसमेंट किया है, जिसका फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ द मंथली अलाउंसेस, जो किसके लिए, कौन से डिवीजन के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए राइट। दिस मॉड्यूल हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द एजिस ऑफ द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट एंड विल बी ऑपरेटेड बाय द पे अकाउंट ऑफिस कोस्ट गार्ड नोएडा। ये किसके द्वारा ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट होगा, पे अकाउंट ऑफिस कोस्ट गार्ड जो नोएडा के अंदर है उसके द्वारा राइट। अभी तक क्या होता था फ्रेंड्स, कि दिस लॉन्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम CPS, द फाउंडेशन ऑफ विच इज बीइंग लेड डाउन बाय द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स टू प्रोवाइड द वन स्टॉप पे अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर द ऑल ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द मिनिस्ट्री। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, कि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है ना ये सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम नहीं चलती है। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सैलरी होता है, एक ही दिन पे उनका सभी का सैलरी नहीं होता, कभी किसी का आगे पीछे होता है। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जितने भी डिवीजन्स हैं उनका एक ही दिन एक ही टाइम पे सभी का एक साथ पेमेंट हो जाए, इसके लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पद्मा राइट। लॉन्च ऑफ द पद्मा विल स्ट्रेंथन द डिजिटल इंडिया विजन, ऑल्सो इट इज़ एन एक आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव एज अ एंटायर मॉड्यूल हैज़ बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जिस असिस्टेड बाय द डोमेन एक्सपर्ट्स। ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है पद्मा, कि जहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी डिवीजन को एक साथ सैलरी मिल जाएगी राइट, जो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम को प्रमोट कर रहा है वो डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटली सभी के अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, और आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो इंडियन जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने साथ में मिलकर ही बनाया है। ओके, अगर अभी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम की बात करूँ
तो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम इन इंडिया कौन कौन सा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है? तो एक तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT, ये बोथ ओन एंड ऑपरेटेड बाय द RBI, जो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है इंडिया के अंदर। रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट की अगर मैं बात करूँ कि वो रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ द फंड्स टू योर बेनिफिशरीज अकाउंट एंड इज प्राइमरली मीन फॉर द लार्ज वैल्यू डोनेशंस के लिए। RTGS अगर आप जो बड़ा फंड अगर ट्रांसफर करना चाहते हो, राइट, तो भी आप RTGS का यूज़ कर सकते हो। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप 2 लाख तक का फंड ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप NEFT यूज़ कर सकते हो, राइट। लेकिन NEFT रियल टाइम नहीं है, यहाँ पे आप बैचेस के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट। यहाँ पे आधे आधे घंटे के टोटल 12 बैचेस है, सॉरी टोटल 48 बैचेस हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल 10 से 10:30 बजे का एक बैच है, राइट, अगर आपने 10 से 10:30 बजे का एक बैच चल रहा है, राइट, RBI का ये NEFT के लिए, अगर आपने 10:05 के ऊपर पैसा कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए एक एप्लीकेशन दी, एक हाँ, तो आपका पैसा कब ट्रांसफ़र होगा? 10:30 बजे, क्योंकि वो 10 से 10:30 वाली बैच के अंदर आ जाता है, बराबर। टोटल 48 बैचेस के अंदर NEFT का ट्रांजेक्शन होते हैं आधे आधे घंटे के बैचेस के अंदर, राइट। ये रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट अगर आपको कोई बड़ा ट्रांसफ़र करना है और इमीडिएट करना है तो आप RTGS का यूज़ कर सकते हो। NEFT के अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख कर पाओगे और RTGS के अंदर आप मिनिमम 2 लाख कर पाओगे, राइट, ओके। ये सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है जो RBI के द्वारा रन होती है। डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम क्या होती है कि विल इंक्लूड द क्लियरिंग हाउसेज विच इज़ मैनेज बाई द RBI, जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, एज वेल एज जो अदर बैंक के जो एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम है, ये जो सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम। तो अभी तक ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो जो पर्सनल्स काम करते थे उनको चेक के माध्यम से पेमेंट किया जाता था, राइट। तो जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा तब तक वो लोग सैलरी नहीं रिसीव कर पा रहे थे। तो अभी उनको डिजिटल उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पद्मा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, राइट, ओके। कि जहाँ पे सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के माध्यम से मतलब RTGS और NEFT के द्वारा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो जाएगा। ये जो चेक वाली जो सिस्टम थी अभी तक की, जो डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम वाली, वो इंडियन पोस्ट गार्ड के अंदर अभी बंद कर दी गई है, ओके। तो अगर मैं इंडियन पोस्ट गार्ड की बात करूँ तो इंडियन कोस्ट गार्ड का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उसका मेन फंक्शन है कि जो इंडिया का कोस्टल एरिया है उसको डिफेंड करना, और उसके अलावा इंडिया के जो कोस्टल एरिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज है, अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले श्रीलंका के एक शिप एक उसके कोस्टल एरिया के अंदर उसको श्रीलंका के कोस्टल एरिया के आसपास वो फंस गया था, तो उसको रेस्क्यू करने का काम इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया था, राइट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो ये जो सोशल एक्टिविटी भी करती है, जो कोस्टल एरिया को डिफेंड भी करती है, राइट, ओके, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। और वो कब उसका बिगिनिंग हुआ था, 1971 का जो वॉर हुआ था उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को इंप्लीमेंट किया गया था, राइट, और रुस्तम जी कमेटी के द्वारा उसको रिकमेंड किया था कि एक इंडियन कोस्ट गार्ड होना चाहिए कि जो कोस्टल एरिया को डिफेंड कर सके, राइट, ओके। वो स्मगलिंग को प्रिवेंट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन कोस्ट गार्ड, क्योंकि सब स्मगलिंग ज़्यादातर सी रूट से ही आती है, राइट, तो स्मगलिंग को प्रिवेंट करने में भी इंडियन कोस्ट गार्ड का बहुत बड़ा हाथ है, राइट। ये जो मैंने अभी बात की कि वो श्रीलंका का जो एक शिप था MV एक्सप्रेस पर्ल, जो उसके कोस्टल एरिया के अंदर जो फंस गया था, उसको इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पर्सोनल्स हैं उन्होंने सागर परीक्षण 2 एक मिशन लॉन्च किया गया था, उसके अंडर में श्रीलंका की इस शिप का रेस्क्यू किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। मतलब वो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो काम करता है ना, वो जो कोस्टल का जो मैरिटाइम सिक्योरिटी, वो इंडिया के कौन कौन से मिशन के अंडर, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन और एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये दो इंडियन कोस्ट गार्ड के इंडिया के जो दो मेन विज़न है मोदी गवर्नमेंट के, इस ये दो विज़न के अंडर में इंडियन कोस्ट गार्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया को, राइट, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ओके। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी डिजिटाइजेशन किया गया है पैक्स का। अभी ये पैक्स क्या है फ्रेंड्स, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो पैक्स का फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी ये पैक्स का फुल फॉर्म है। ये एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक का एक पार्ट है। अगर मैं कोऑपरेटिव बैंक्स का क्लासिफिकेशन करूँ कोऑपरेटिव बैंक्स, तो कोऑपरेटिव बैंक्स के नॉर्मली दो टाइप है, एक तो
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और एक होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक, राइट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक फर्दर थ्री कैटेगरी के अंदर क्लासीफाइड होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी वो विलेज लेवल के ऊपर काम करते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे सबसे नीचे लेवल के ऊपर कौन काम करेगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विलेज लेवल के ऊपर। मतलब जो फार्मर्स हैं, जो विलेज लेवल के जो जो सिटीजन्स हैं, वो डायरेक्टली किसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, पैक्स के, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, राइट। फिर बहुत सारे पैक्स को कौन रेगुलेट करता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को कौन रेगुलेट करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। मतलब ये एक हायरार्की है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उसके अंडर में आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और उसके अंडर में आता है पैक्स, राइट। तो ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो गाँव के लोग हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर लोन मिल जाए। अभी ये फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक का पार्ट है। अभी कोऑपरेटिव्स क्या होती है, कोऑपरेटिव्स के अंदर अगर मैं मेनली एक आप बेसिक फंडा बताऊँ उसका, कि यहाँ पे एक कॉमन गोल वाले बहुत सारे लोग साथ में मिलके एक संस्था बनाते हैं, कोऑपरेटिव संस्था, कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल गांव के 10 लोग ने साथ में मिलके एक कोऑपरेटिव संस्था बनाई, राइट। अभी ये 10 लोगों में से अगर किसी को फ्यूचर में कोई पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो ये लोग क्या, कि उन्होंने जब ये कोऑपरेटिव संस्था बनाई थी तब किसी ने 1 लाख रुपया जमा करवाया होगा, किसी ने 5 लाख करवाया होगा, किसी ने 50 हज़ार करवाया होगा। टोटल अभी ये संस्था के अंदर टोटल फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपये है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपये, चलो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीज़ है ये संस्था के अंदर, जो 10 लोगों ने साथ में मिल के यहाँ पर इन्वेस्ट किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये 10 करोड़, ये 1 करोड़ का जो डिपॉजिट है वो उसमें सभी का इक्वल इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है। किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 1 लाख, ऐसे करके कराया, राइट। तो यहाँ पे 1 करोड़ का डिपॉजिट ही है कोऑपरेटिव संस्था के अंदर। अभी यही यही 10 मेंबर में से किसी मेंबर को अगर कोई फार, फार कोई फार, फार्म बनाना है, या फिर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए कुछ पैसा, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको, कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो और लेकिन ये वो जो पर्सन है जिसको पैसे की ज़रूरत है, वो ये जो कोऑपरेटिव संस्था का पार्ट होना चाहिए, उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हो उसके अंदर होना चाहिए, डिपॉजिट किया उसके अंदर होना चाहिए, राइट। तो उसको फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी लानी है अपने एंटरप्राइज के लिए, राइट। तो ये क्या करेगा, ये संस्था की जहाँ पे उसने डिपॉजिट करके रखी है वो वहाँ से लोन लेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट लेगा। अभी उसको कितनी लोन मिल सकती है इस संस्था के माध्यम से, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है, टोटल कितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, 10 लोगों ने, मतलब 1 करोड़ को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो एक पर्सन को कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, 10 लाख। तो यहाँ पे जिसने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया उसको भी 10 लाख मैक्सिमम मिल सकता है, जिसने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया उसको भी 10 लाख मैक्सिमम मिल सकता है। तो कोऑपरेटिव का मेन फंडा क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन के ऊपर लोन नहीं देता, उसमें सभी लोग इक्वल है, राइट। उसमें टोटल डिपॉजिट कितनी है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, उसी तरह सभी को मैक्सिमम लोन दी जाती है, राइट। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव का मेन फंडा है कि यहाँ पे देखो कि जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करेगा, और जिसके पास कम पैसा है यहाँ पे उसको कम पैसा डिपॉजिट करने पर भी ज़्यादा लोन मिल जाएगा, ये कोऑपरेटिव उसका मेन फंडा है, राइट। तो यहाँ पे जो ये विलेज लेवल के ऊपर जो लोन मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है, पैक्स के माध्यम से, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो ये पैक्स के अंदर जब से वो एस्टेब्लिश हुई है तब से यहाँ पे पुराना फंडा ही चलता है, कि जैसे पहले कैसा होता था कि कोई फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन लोन लेके गया, फॉर एग्जांपल कोई एक फार्मर 10 लाख की लोन लेके गया, और वो 5 साल के बाद वापस करेगा और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। तो ये सब है ना अभी भी एक बुक में लिखा जाता है, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अंदर एक बुक में लिखा जाता है, मतलब जो डेटा की एंट्री है ना एक बुक के अंदर की जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अभी हमारे देश के अंदर टोटल ऐसे 63,000 पैक्स है, राइट। अभी सभी को ये कंप्यूटराइज किया जाएगा, मतलब जैसे कॉमर्शियल बैंक कैसे कंप्यूटराइज सब कुछ कंप्यूटर के अंदर डेटा सेव रखती है, ऐसे अभी पैक्स को भी कंप्यूटराइज किया जाएगा, राइट। और उसके लिए 2516 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है 5 साल के लिए, 2516 करोड़ का, राइट। तो जैसे अगर आप कोई कॉमर्शियल बैंक के अंदर आप लोन लेने के लिए जाओ, फॉर एग्जांपल आप एसबीआई के अंदर लोन लेने के लिए गए, राइट, तो एसबीआई वाला क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी लोन हिस्ट्री चेक करेगा। अगर आपने एचडीएफसी बैंक से पहले से लोन लेके रखी है और उसका रीपेमेंट बराबर नहीं किया तो एसबीआई वाला भी आपको लोन नहीं देगा। तो मतलब एक सभी बैंक एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर
वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी पैक्स भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म एक्सेस कर पाएगी, राइट। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन लोगों को कंप्यूटराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने 2516 करोड़ अनाउंस किया है 5 साल के लिए, और ये पैक्स को अभी डिटेज करने का गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आएगा। ये जब आप पैक्स को अगर डिटेज करोगे तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के, जहाँ पे फार्मर्स को क्लेम करते हैं वो पैसा उनके डायरेक्टली अकाउंट में जमा होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर जो पैसा, जो इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलता है, जो वो पैसा उनके अकाउंट में जमा होता है, तो वो पैक्स के माध्यम से भी वो पैसा वो फार्मर्स तक, वो गरीब लोगों तक वो पहुँचा पाएंगे, राइट, अगर वो डिटेज हो जाते हैं तो। ओके, तो ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है और 2516 करोड़ उसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।